नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो लीक होने के बाद ये तो तय हो गया कि वजू खाने में जो मिला वो फव्वारा तो नहीं है, और इस मामले में अब साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश पर साधु संतों ने ऐलान कर दिया है कि वो अब 4 जून को शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। हालांकि शिवलिंग वाली जगह कोर्ट के आदेश पर सील है, और ऐसे में संतों को समझाना प्रशासन के लिए चुनौती होगा। वहीं ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद से ही औरंगजेब गैंग की तरफ से विवादित बयान देने का सिलसिला जारी है। वहीं पृथ्वीराज फिल्म को लेकर भी मौलाना तौकीर रजा ने तो औरंगजेब को ही सबसे बेहतर बता दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जलाभिषेक से अब औरंगजेब गैंग जलता हुआ नजर आ रहा है? संतों ने संभाला है शिवलिंग के सम्मान का जिम्मा, और संतों के ऐलान से क्या प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? क्या अदालती फैसले से ज्ञानवापी का समाधान निकलेगा? क्या औरंगजेब को महान बताना हिंदू आस्था का अपमान है? ये वो तमाम सवाल है जो सबके जहन में है। इन तमाम सवालों के हम जवाब इस कार्यक्रम में तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की आकृति को लेकर अब संत समाज ने भी जमीन पर उतरने का ऐलान कर दिया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और विद्या मठ के महंत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया है कि वे शनिवार यानी 4 जून को ज्ञानवापी के अंदर जाकर कोर्ट के आदेश पर सील किए हुए हिस्से में स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान उनके साथ काशी के साधु संत भी शामिल रहेंगे। कब जा रहे हैं गुरुजी? शनिवार को हम जा करके पूजा करेंगे। शंकराचार्य जी महाराज का हमको आदेश है कि जा करके पूजा अर्चना समस्त सनातन धर्मियों की ओर से करो, तो हम आए। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट के आदेश पर उस जगह को सील कर दिया गया। वहां किसी के भी जाने पर पाबंदी है, और ऐसे में प्रशासन के सामने संतों को परिसर में जाने से रोकना एक बड़ी चुनौती होगा। इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि धर्म के मामले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति कहां तक नहीं जा सकता है, ये तो निर्धारण नहीं किया ना उन्होंने। तो जहां तक जा सकता है वहां तक जाएगा, जो कर सकता है वो तो करेगा। आपके सामर्थ्य में जो कुछ है अगर आप उसको करते हैं तो पूरा किया गया माना जाता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको रोकती है, जाने नहीं देती है? भाई, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा कोई विरोध थोड़े है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी भावना कहेंगे। हमको भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी भावना को समझेगा। सर्वे के लीक वीडियो में साफ दिख रहा है कि वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति है, जिसे कुछ लोग फव्वारा भी कह रहे हैं। इस बात का जवाब भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। मुसलमान कह रहे हैं फव्वारा है, हमने अभी आपको बता दिया, दिखा भी दिया, चित्र भी दिखा दिया कि हमारे एक देवता ऐसे हैं जिनके माथे से गंगा की धारा निकलती है। तो जो आदमी उनको शिव नहीं कहना चाहता वो फव्वारा ही तो कहेगा। तो मुसलमान भी फव्वारा कह रहे हैं, माने इनके ये वो देवता है जिनके माथे से धारा पानी की निकलती है, तो वो भी तो शिव ही कह रहे हैं, प्रकारांतर से कह रहे हैं, तो इसलिए कहां समस्या है। एक तरफ काशी में संतों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक का फैसला लिया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाले औरंगजेब की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। दरगाह आला हजरत के मौलाना तौकीर रजा ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि औरंगजेब से बेहतर किरदार दूसरा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है, इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। दरअसल ज्ञानवापी की सर्वे की लीक वीडियो में शिवलिंग मिलने के बाद से ही औरंगजेब गैंग तिलमिलाया हुआ है। ओवैसी ने वीडियो की सत्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, तो वहीं अब तौकीर रजा औरंगजेब की तारीफ करके हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए अपने विषय को समझा, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और मोहसिन राशन मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक शंकर तिवारी वकील हैं हिंदू पक्ष के, और राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत